हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द लिटिल वर्ल्ड इंडिया। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए एक नया वीडियो एक नई रेसिपी के साथ, जिसका नाम है दाल पूरी, जिसे हमने ग्रेवी आलू के साथ सर्व किया है। आप इसके साथ खीर या सेवई भी ले सकते हैं, जिसका कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है। ये रेसिपी बच्चे और बड़े दोनों के लिए ही बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। इसे बनाने के लिए हमने चना दाल लिया है, जो रात भर भिगोया हुआ है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप इसे 4 से 5 घंटे पहले भी पानी में डाल के भिगो सकते हैं। इसका रिजल्ट ऐसे ही होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के ऑल कर लीजिएगा। सबसे पहले हम उसका मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर लिया है, साथ ही साथ 1/2 टेबल स्पून मिर्ची पाउडर लिया है, साथ ही साथ 1 टेबल स्पून जीरा और धनिया का पाउडर। उसके साथ हमने लिया है 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्च पाउडर, और लास्टली हमने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट से दाल पूरी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। इस मसाले को अब हम पानी के साथ मिलाएंगे और उसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा गीला करेंगे। अब आप देख सकते हैं, मैंने पानी इकट्ठे नहीं डाला है, मैं उसे थोड़ा थोड़ा करके ही डालूंगी, ताकि हमारा मसाला ज़्यादा भी गीला ना हो और ज़्यादा भी थिक ना रहे। आपको इसे अच्छी तरीके से मिला लेना है। अब आप देख सकते हैं, लगभग हमारा मसाला तैयार हो चुका है। अब इसको हम साइड में रख देंगे और हम गैस बैठाएंगे एक पैन। उसमें हम करीबन 2 से 3 चम्मच डालने वाले हैं ऑयल। मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल लिया है, आप अपनी मर्जी का कोई भी एडिबल ऑयल ले सकते हैं। देन उसके बाद हम डालेंगे 1 टेबल स्पून जीरा। इंडियन किचन्स में बिना तड़के के कोई भी चीज़ नहीं बनती है, तो हम इस पर तड़का ज़रूर लगाने वाले हैं। तड़के को अच्छे तरीके से मिला लेंगे, वो पूरा पॉप हो जाए। उसके बाद हम डालेंगे हमारा तैयार किया हुआ मिक्सचर यानी कि मसाला। मसाला डालते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको गैस का फ्लेम थोड़ा मीडियम ही रखना है। अगर आप उसको बहुत ज़्यादा हाई रखेंगे तो आपका मसाला तुरंत ही जल जाएगा। उसके बाद हम हमारे बाउल में जो बचा हुआ मसाला था उसमें पानी डाल के वापस से उसमें डालेंगे पानी, ताकि मसाला थोड़ा सा गाढ़ा ना हो और पानी के साथ वो अच्छे से घुल जाए। मसाला जैसे ही हमारा पक जाएगा, उसके बाद हम स्वाद के लिए डालेंगे नमक। मैंने इसमें 1 टेबल स्पून लिया है, आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। इसको अच्छे से मिला लेंगे। इसको मिलाने के बाद हम फाइनली डालने वाले हैं हमारा चना दाल। मैंने चना दाल में थोड़ा सा पानी छोड़ रखा था, जिसके वजह से मुझे आगे पानी डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी। चना दाल को डालने के बाद आपको उसको अच्छी तरीके से मिला लेना है, ताकि जो भी मसाला हमने यूज़ कर रखा था वो चना दाल के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। आपको इसको थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहना है, ताकि आपका चना दाल मिर्ची से चिपके नहीं और साथ ही साथ जले नहीं। अब आप देख सकते हैं, हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है। आप चना दाल को ऐसे ही चपाती या पराठे के साथ भी खा सकते हैं, ये बहुत ही स्वादिष्ट हुआ था। उसके बाद लास्टली हम डालेंगे कोरिएंडर लीव्स यानी कि धनिया पत्ती। ये डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिला देंगे, ये अच्छे से मिल जाए। उसके बाद हमको इसको साइड में रख देना है, जब तक ये ठंडा हो जाए हम नेक्स्ट स्टेप की प्रिपरेशन करते हैं। हमें पूरियाँ बनाने के लिए आटे का डो रेडी करना है। उसके लिए करीबन 4 बड़े चम्मच मैंने इसमें आटा ली हूँ, और साथ ही साथ उसमें स्वाद के लिए नमक डाल दिया है। करीबन 2 टेबल स्पून मैंने इसमें एडिबल ऑयल डाला है। ऑयल डालने के बाद आपको सीधा पानी नहीं डालना है, नमक और तेल को अच्छी तरीके से मोइन कर लेना है आटे के साथ। उसके बाद आप चपाती का जैसे आटा गूंथते हैं वैसे ही आपको गूंथना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपको पूरिया के लिए डो बना लेना है, लेकिन इसका डो ज़्यादा भी हार्ड नहीं होना चाहिए और ज़्यादा भी सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। आप इसको गूंथ के अच्छे से रखिए। अब आप देख सकते हैं, ये ज़्यादा भी हार्ड नहीं है और ज़्यादा भी सॉफ्ट नहीं है। हमें ऐसा ही आटा हमारी पूरियों के लिए चाहिए। इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारे दाल का मिक्सचर ठंडा हो चुका है, हम उसे ग्राइंडर के जार में ट्रांसफ़र करके उसे अच्छा सा ग्राइंड कर लेंगे। आप अपने दाल के मिक्सचर को ज़्यादा भी बारीक नहीं पीसेगा, उसको आप थोड़ा सा दरदरा ही छोड़ दीजिएगा। अब हमारे दाल का मिक्सचर हो गया है रेडी। अब हमें आटे की पूरियाँ बनाना है, जिसके लिए हम आटे को हाथ में लेके ऐसे राउंड राउंड बना लेंगे, और हम अपने फिंगर की मदद से उसमें स्टफिंग भरने के लिए जगह बना लेंगे। आप उसे बेल के भी बना सकते हैं, बट मैं ये वाला मेथड ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। इसमें मुझे समझ में आ जाता है कि मुझे पूरियाँ बनाने के लिए कितना पतला रखना है या कितना मोटा रखना है। ये प्रोसेस होने के बाद हमें इसमें डालना है दाल का तैयार किया हुआ मिक्सचर। मैंने करीबन 2 टेबल स्पून मिक्सचर इसमें भर के डाला है। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं इसमें, लेकिन 2 चम्मच से कम मत डालिएगा, अदरवाइज दाल पूरी में आपको दाल तो मिलेगा ही नहीं, आप कहेंगे कि हमने तो सिंपल पूरी ही बना लिया। उसके बाद आपको इसको अच्छे तरीके से बंद कर लेना है। अगर आप इस प्रोसेस को अच्छे से नहीं करेंगे तो पूरी को जब आप ऑयल में डीप फ्राई करने के लिए डालेंगे तो वो पूरी फट के निकल जाएगी, और साथ ही साथ आपका तेल और पूरी ख़राब हो जाएगा।
तो आपको इसको अच्छे तरीके से पैक कर लेना है। उसके बाद फिर से आपको ऐसे करना है जिसके वजह से चारों तरफ आटे में अच्छे से दाल का मिक्सचर फैल जाए। उसके बाद आपको बेलन चौकी लेके उस पर लगाना है एडिबल ऑयल। आप इसमें आटे का बिल्कुल भी यूज़ ना करें। अगर आप इसमें आटे का यूज़ करेंगे तो आपकी पूरियाँ तो अच्छी बन जाएगी, लेकिन जब आप उसको ऑयल में डालेंगे तो उस वक्त आटा आपके ऑयल को गंदा भी कर देगा और साथ में आपकी पूरियाँ भी काली पड़ जाएगी। आपको पूरी को ऐसे ही बेलना है, ना ही ज़्यादा पतली और ना ही ज़्यादा मोटी। अब आप देख सकते हैं मैंने इसे ज़्यादा भी पतला नहीं रखा है और ज़्यादा भी मोटा नहीं रखा है। हमें ऐसा ही बनाना है पूरियाँ। उसके बाद हम गैस को ऑन करेंगे, उसमें बैठाएंगे कढ़ाई। अब हमको पूरियाँ को डीप फ्राई करना है, उसमें हम डालेंगे ऑयल। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाए उसमें हम डाल देंगे पूरी। आपको पूरी को बहुत ही ज़्यादा गर्म ऑयल में भी नहीं डालना है और बिल्कुल भी ठंडे ऑयल में नहीं डालना है। पूरी डालने के बाद आपको पूरी के ऊपर साइड से ऑयल है उसको डालते रहना है और धीरे धीरे उसको हल्का प्रेस करके दबाते रहना है। इससे आपकी पूरियाँ बहुत अच्छी तरीके से फूल जाएंगी। और आपको टर्न करते वक्त ध्यान रखना है कि कोई भी ऑयल उड़े नहीं और आपके ऊपर लगे नहीं। अब आप देख सकते हैं मैंने इसे कैसे फ्राई किया है। लगभग हमारी पूरी हो गई है रेडी। हमें उसे गोल्डन कलर में ही करना है। अब आपकी पूरी हो गई है रेडी। इसको हम डाल देंगे प्लेट में। आप इसी मेथड से दाल पूरी बनाएंगे तो आपकी पूरियाँ फटेगी भी नहीं और साथ ही साथ बहुत अच्छे से फूलेगी। आप दाल पूरी बना के अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को ज़रूर खिलाइए, जिन्हें ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और साथ ही साथ अपने हस्बैंड और अपने बच्चे के टिफिन में ये ज़रूर दे, जो बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय करें। आई होप सो फ्रेंड, आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।